राम राम सभी को, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू महिंद्रा की बुलेरो नियो प्लस। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये P10 वाला है, मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलते हैं 3 डिफरेंट कलर के ऑप्शन। आज जो मेरे साथ है इसका व्हाइट कलर है। कार के साथ मिलती इस टाइप की आपको दो चाबी, एक मिलती है आपको रिमोट कंट्रोल की। रिमोट कंट्रोल की के अंदर मिलता है आपको लॉक के लिए और अनलॉक के लिए। इनकेस आपकी कार पार्किंग के अंदर नहीं मिल रही है तो इस बटन को दबाएंगे तो इसके अंदर हॉर्न का साउंड चालू हो जाएगा, तो आपको पार्किंग के अंदर ढूंढने में मदद मिलेगी। इधर मिलता है आपको महिंद्रा का लोगो और यहाँ से क्लिप की निकालने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कार स्टार्ट होगी और इससे ऑफ होगी। इनकेस इसकी बैटरी लो हो जाती है तो कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए चाबी काम आने वाली। और ये जो दूसरी की है ये बिल्कुल आपको बेसिक मिलती है, बिल्कुल प्लेन। बस इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है और महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। कार का फ्रंट लुक कुछ ऐसा देखने मिलता है। इसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 184 mm का यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको 215/17 R16 इंच के इस टाइप के आपको एलोवेल मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में। फेंडर पे आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाती है हेलोजन सेटअप के अंदर। साइड ORM की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फोल्ड नहीं मिलते हैं, आपको फोल्ड करना है तो उसके लिए इस टाइप से मैनुअल करना पड़ेगा। बट ये आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए मिल जाता है, लेफ्ट और राइट वाले दोनों मिरर। ऊपरी साइड में आपको एंटीना मिल जाता है FM के लिए। और कार का फ्रंट लुक कुछ ऐसा देखने मिलता है। ग्रिल के अंदर आपको क्रोम का यूज़ करा गया है, महिंद्रा के लोगो यहाँ मिलता है। नंबर प्लेट के लिए यहाँ प्लेसमेंट मिलती है और टोइंग हुक के लिए आपको यहाँ मिलता है। इसके फॉग लैंप की बात करें तो ये आपको हेलोजन सेटअप के अंदर मिलता है येलो लाइट के साथ में। लाइट सेटअप की बात करें तो हाई और लो बीम के लिए आपको हेलोजन सेटअप मिलता है येलो लाइट के साथ में। यहाँ पे आपको मिलता है क्रोम, यहाँ पे आपको DRL नहीं मिलती है, वो आपको ओनली नियो के अंदर मिलती है। तो कार का फ्रंट लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है। हुड पे कुछ ऐसी डिज़ाइन मिल जाती है, विंडशील्ड एरिया कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इस वेरिएंट की वारंटी पीरियड की बात करें तो 3 साल की आपको वारंटी मिलती है 1,00,000 किलोमीटर के साथ में। अप टू चाहें तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कार की ये साइड प्रोफाइल, कारो कर देते हैं एक बार अनलॉक। यहाँ पे लग मिलता है आपको चाबी लगा के लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो इसका फ्रंट डोर इतना वाइड ओपन हो जाता है। डोर्स पे आपको पूरा बेज कलर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्लिप फिनिश का यूज़ करा गया। डोर हैंडल पे आपको मिलता है मैट फिनिश के अंदर। यहाँ 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर रिप्लेसमेंट मिल जाती है। इसका फ्यूल टैंक ओपन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ लीवर मिलता है। अगर इसका हुड ओपन करना है उसके लिए लीवर आपको यहाँ मिलता है। प्रॉपर नहीं दिख रहा, हाँ आप दिख रहा देख सकते हैं, इस पर सिंबल भी बना हुआ मिलता है। यहाँ पे आपको क्लच, ब्रेक और एक्सेलेटर के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मिलते हैं आपको बटन्स, इनके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। फ़ोन की एक बार फ्लैश लाइट चालू कर लेंगे, उसके बाद में बात करेंगे इसकी। पीछे वाले डोर्स की बात करते हैं। 9 सीटर है तो इसके अंदर आप इजीली 9 जने बैठ सकते हैं, मैं वो बता दूंगा कैसे बैठते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर प्लेसमेंट है, 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं। विंडोज़ के लिए कंट्रोल है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश का यूज़ करा गया है। चाइल्ड लॉक लगाने के लिए यहाँ मिल जाता है, ये भी अनलॉक है और ये लॉक हो जाएगा। और वापस कर देते इसको अनलॉक तो ऑलमोस्ट ये 70-75% ओपन हो जाते हैं वाइड के अंदर। और कार की बैक प्रोफाइल को जैसे देखने मिलती है, यहाँ पे आपको फुल साइज़ के अंदर स्पेयर व्हील मिल जाता है सेम टायर प्रोफाइल के साथ में, बट ये आपको स्टील रिम के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको कवर मिल जाता है प्रोटेक्शन के तौर पे, कोई जल्दी से आपके स्पेयर व्हील को खोल के नहीं चुरा सकता। यहाँ बुलेरो लिखा हुआ मिलता है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। इधर आपको बुलेरो नियो लिखा हुआ मिल जाता है। इधर P10 का आपको बैज मिल जाता है क्रोम के अंदर। 2 आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर मिलते हैं, 2 आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट है, आपको चढ़ने उतरने के लिए फुटस्टेप मिल जाता है। इसकी रियर टेल लाइट की बात करें तो ये आपको हेलोजन सेटअप में मिलती है। इंडिकेटर लाइट और रिवर्स लाइट भी आपको हेलोजन सेटअप में मिलती है। आपको साइड में फुटस्टेप मिल जाता है चढ़ने उतरने के लिए। और पीछे साइड में यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैम्प मिल जाता है। कारो करते हैं एक बार अनलॉक और यहाँ से भी आप कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, अगर बूट आपको लॉक करना है तो और अनलॉक करना है तो। इसका रियर डोर काफ़ी यूज ओपन हो जाता है और काफ़ी हैवी है। यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करा गया है। हैंडल मिल जाता है आपको पकड़ के बंद करने के लिए। मैट फिनिश के अंदर आपको हैंडल मिल जाता है और यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप पूरा कवर मिल जाता है। तो यहाँ से आप चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैर रखेंगे ईजिली और अंदर बैठ सकते हैं। तो मेरी हाइट 5'11" है तो मैं अंदर बैठ चुका हूँ। वैसे तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है, लाइट चालू कर देते हैं। पीछे साइड में आपको हैलोजन सेटअप में लाइट मिल जाती है येलो लाइट के साथ में। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। यहाँ पे आप इजीली 2 जने बैठ सकते हैं, मेरी साइड भी 2 जने बैठ सकते हैं। अगर मीडियम हेल्थ के होंगे तो 2 बैठ पाएंगे, अगर लार्ज हेल्थ के होंगे तो 1 अडल्ट और 1 बच्चा, और इधर भी 1 अडल्ट और 1 बच्चा बैठ पाएगा। मीडियम हेल्थ के होंगे तो 2 इधर 2 इधर, तो 4 जने यहाँ बैठ जाएंगे, 3 जने यहाँ बैठ जाएंगे, 2 आगे बैठ जाएंगे, टोटल 9 जने आराम से बैठ के जा सकते हैं। लगेज अगर आपको कैरी करना है तो उसके लिए बताता हूँ। वैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं पैर पूरे यूँ ऐसा कर दूंगा तो यहाँ पे थाई सपोर्ट ओके, हेडरूम ओके, नी रूम भी ओके मिल जाएगा अगर सामने कोई बंदा बैठेगा तो। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग ट्रिप पे अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो आप इजीली इस पे बैठ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे उतर भी सकते हैं इजीली। और ऐसा कुछ लुक, अगर ये फोल्ड करनी है तो उसके लिए बता देता हूँ।
कुछ इस टाइप से आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, और आपको मिडल वाली सीट भी फोल्ड करनी है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे अगर बच्चे बैठते हैं तो उनके साइड में, तो यहाँ पे उनको नीयूम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे इजीली आप दो बड़े बैग रख सकते हैं और छोटा मोटा सामान और रख सकते हैं। अगर आप खाली पांच जने जाते हैं कहीं टूर पे, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ऑलमोस्ट 500 प्लस का यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। अगर सीटों को अपर साइड कर देंगे, अगर ये वाली फोल्ड कर देंगे, तो ऑलमोस्ट आपको 800 टू 900 का बूट स्पेस मिल जाता है लीटर के अंदर। काफ़ी ज़्यादा आप सामान ले जा सकते हैं। इनके साथ घर शिफ्ट करते हैं तो ये कार आपके लिए काफ़ी यूज़फुल आने वाली है, और फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल आएगी। लाइट को एक बार वापस बंद करते हैं अपन आगे चल के, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे की साइड में भी स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर फैमिली के साथ जाता हूँ तो 300 से 400 किलोमीटर बैठ के जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ मिल जाता है आपको 60 लीटर का डीजल का टैंक, और यूरिया के लिए भी मिलता है क्योंकि ये डीजल इंजन है BS6 फेज टू वाला, तो यहाँ पे यूरिया भी डलेगा। एक सर्टन लेवल से अगर वो कम हो जाएगा तो आपको यूरिया भी फिल करवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम डीजल के साथ में। हैंडल्स की बात करें तो ये आपको मैट फिनिश के अंदर मिलते हैं कुछ इस टाइप से। इधर वाला डोर दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको बोथ साइड मिल जाता है चाइल्ड लॉक लगाने के लिए, इधर भी और आपको इस साइड भी, यानी पीछे साइड में दोनों डोर से मिल जाएगा। और पीछे वाले डोर पर मिल जाता है वो बता देता हूँ, वापस ओपन कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको इसके अंदर नहीं मिलता, वो बुलेरो नियो के अंदर मिलता है। इसके अंदर पीछे वाला लॉक करने के लिए नहीं मिलता। एक चीज़ और, अगर आपको पीछे घुटन महसूस हो रही है तो यहाँ से इसको आप ऐसे पुश करेंगे तो आपके जो पीछे वाले विंडोज़ हैं ये इस टाइप से ओपन हो जाएंगे। इनकेस आपको अगर घुटन महसूस होती है और पीछे हवा प्रॉपर नहीं लगती तो आपको हवा चाहिए तो, और आपको वापस लगाना है तो ऐसे पुश करेंगे इनसाइड और यहाँ से इस लीवर को खींच के बंद कर देंगे तो ये प्रॉपर बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। कार के अंदर बैठने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सीट आपको कुछ इस टाइप की फैब्रिक देखने के लिए मिलती है। सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट मिलती है आपको 8-way एडजस्ट, जिसके अंदर अप एंड डाउन, आगे पीछे रिक्लाइन के लिए दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के लिए मिलता है। को पैसेंजर वाली सीट मिलती है आपको 6-way एडजस्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाता है कुछ इस टाइप से, जो आपको क्लासिक के अंदर मिलता है वैसा ही आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। बट इस पर आपको कवर चढ़ा लेंगे लेदर वाला तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे फैब्रिक वाला भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं, इस पर भी अच्छी मिल जाती है, जो प्रॉपर आपके गेयर बॉक्स पे हाथ रहने वाला है तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको चाबी के लिए लाइट मिल जाती है एक्स्ट्रा में, और यहाँ पे आपको ECS के लिए बटन मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए, यहाँ पे आपको फ्रंट डिफोगर के लिए मिल जाता है, इको के लिए बटन मिल जाता है, जैसे आप इको पे दबाएंगे तो यहाँ पे लाइट चालू हो जाएगी। इनकेस आपको एवरेज ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे लाइट के लेवल सेट करने के लिए मिल जाता है, अप एंड डाउन करने के लिए, इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए मिल जाता है लेफ्ट और राइट के लिए, AC वेंट्स को कुछ इस टाइप से ऑन और ऑफ कर सकते हैं और ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइट के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको लाइट चालू करने के लिए मिल जाता है। लाइट का थ्रो भी दिखा देता हूँ मैं आपको फटाफट से, तो देख सकते हैं ये लाइट का थ्रो है। इसके फॉग लैंप भी चालू करना उसके लिए बता देता हूँ कैसे करने के लिए मिलता है, बट पहले पीछे वाली लाइट भी देख लेते हैं अपन। तो पीछे वाली लाइट कुछ ऐसे देखने के लिए मिलती है। अगर इसका फॉग लैंप ऑन करना है तो ये वाला बटन जो है इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो आपका फॉग लैंप ऑन हो जाएगा कुछ इस टाइप से, तो विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। नाइट के अंदर आप चलाएंगे तो लाइट का थ्रो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब इनसाइड बैठते हैं फिर आगे बात करते हैं। कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसके इंटीरियर कलर की बात करें तो ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। इसके कुछ कुछ पैनल जैसे यहाँ पे साइड में AC वेंट्स है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ कराया गया, और टच स्क्रीन के यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ कराया गया है। 9-inch की आपको टच स्क्रीन मिल जाती है एंड्रॉइड बेस। इसके अंदर एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड तो नहीं मिलता, बट इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव मिलती है, FM मिलता है, रेडियो मिल जाता है और ऑक्स के लिए मिल जाता है, जो आपको यहाँ नीचे की साइड देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको पूरा एंड्रॉइड बेस सिस्टम मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल आप फोन चलाते हैं वैसे आपको सारे मेन्यू के लिए बटन मिल जाएंगे, यानी टच स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले, साउंड, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको होम पे जाने के लिए मिल जाता है, बैक के लिए मिल जाता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा और ऑफ करने के लिए मिल जाता है, तो इस टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं। उसका रिस्पांस जो है आपको डिसेंट मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस प्राइस पॉइंट के अंदर। इसको वापस कर देते हैं बैक। नीचे आपको मैनुअल एडजस्टेबल AC के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फैन की स्पीड कम ज़्यादा के लिए मिलता है, यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए मिलता है, यहाँ पैर पे हवा चाहिए, मुँह पे हवा चाहिए उसके लिए, डिफोगर के लिए मिलता है, यहाँ पे AC ऑन ऑफ के लिए मिलता है, जैसे आप AC ऑन करेंगे तो यहाँ लाइट चल हो जाएगी, या AC इको के लिए मिल जाता है। इनकेस आपको एवरेज ज़्यादा चाहिए तो इको वाला बटन काम ले सकते हैं। यहाँ पे बाहर की सर्कुलेशन को ऑन और ऑफ करने के लिए मिल जाता है, और साइड में इन पे क्रोम का यूज़ करा गया। हैजर्ड लाइट के लिए यहाँ बटन मिल जाता है। इसके ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ऐसे कुछ ओपन होगा, इसके अंदर आपको डिसेंट अमाउंट का स्पेस मिल जाता है, कार की मैनुअल डायरी और फर्स्ट एड किट मिल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा रबड़ फिनिश के अंदर यूज़ करा गया मटेरियल, उधर आपको 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से अच्छे कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ है, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ है, तो इसके अंदर 4 स्पीकर, 2 आपको ट्विटर मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ में। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है रिवर्स के साथ में। अगर इसका आपको रिवर्स गियर इंगेज करना है तो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्लच दबा लेना है और इसको थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट में
ऐसे प्रेस करना है, उसके बाद ये रिवर्स गियर इंगेज हो जाएगा, साथ साथ आपके जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है 12 वोल्ट का, यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है, आफ्टर मार्केट है कंपनी से यहाँ पे चार्जर लगवा सकते हैं, ए टाइप ए मिल जाता है और आपको ऑक्स के लिए मिल जाता है। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक का यूज़ करा गया, यहाँ पे हैंड ब्रेक के लिए प्लेसमेंट है, विंडोज़ के लिए कंट्रोल आपको नॉर्मल मिलते हैं डाउन के लिए और अप के लिए। यहाँ पे आपको पीछे वाले विंडो को लॉक करने के लिए मिल जाता है, बच्चे बैठते हैं तब यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, यानी दो कप होल्डर यहाँ और एक पीछे के लिए, तो टोटल तीन आपको कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल ही जाता है। तो ऐसे करके आप इजीली चला सकते हैं, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको क्योंकि यहाँ पे आर्मरेस्ट जो है प्रॉपर इस आपके जो गेयरबॉक्स है इसके बराबर आता है, तो चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपका हाथ ऐसे वैसे नहीं रहेगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील का लुक कुछ ऐसा देखने मिलता है, ये ओनली टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, या महिंद्रा का लोगो। इंफोटेनमेंट के लिए बटन मिल जाते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए, यहाँ पे आपको फोन उठाने काटने के लिए, सोर्स के लिए और म्यूट के लिए मिल जाता है। इधर मिल जाता है फ्रंट वाइपर कंट्रोल, रियर के साथ में इधर लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। क्लस्टर की बात करें तो ये आपको सेमी डिजिटल मिलता है, यानी एनालॉग प्लस डिजिटल, आपको लेफ्ट साइड मिलता है आरपीएम, राइट साइड मिलता है आपको स्पीड के लिए। इसके अंदर आपको सीट बेल्ट वार्निंग के लिए लाइट मिलती है, मतलब काफी सारे इसके अंदर सिंबल मिल जाते हैं सीट बेल्ट के लिए, इंजन से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड और फ्यूल के लेवल से रिलेटेड, और इसके अंदर हैंड ब्रेक के लिए लाइट मिल जाती है। तो यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, इन बटन से आप ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जैसे आप इसको चेंज करेंगे डिजिटल स्पीड के लिए आ जाएगा, यहाँ आपको वार्निंग के लिए मिल जाता है, यहाँ पे सेटिंग्स के लिए आ जाएगा। जो आपको लेफ्ट साइड में बटन मिलता है ये आपको ट्रिप ए के लिए देखने मिलता है, इस पर आपको स्पीड क्या रही है, आपने कितनी देर चलाया वो देखने के लिए मिलता है, और फिर आगे करेंगे तो ट्रिप बी, और ट्रिप बी पे आपने कितनी देर चलाया एवरेज का निकाला वो देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटर नहीं मिलता, वो बुलेरो नियो के अंदर मिलता है, प्लस के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पे एक सर्टन लेवल से अगर फ्यूल कम हो जाएगा तो फ्यूल की लाइट आ जाएगी। आपको जो लेफ्ट साइड में है ये आपको टेम्परेचर देखने मिलता है इंजन का, और राइट साइड में आपको फ्यूल के लेवल देखने मिलता है डिजिटल क्लस्टर के अंदर। अब बात करते हैं इस कार की सेफ्टी वाइज फीचर की, तो इसके अंदर ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करती है। इस वेरियंट के अंदर आपको दो एयरबैग मिलते हैं, एक इधर और एक इधर। इसके अंदर आपको सीट बेल्ट वार्निंग के लिए मिल जाता है, पीछे के साइड में आपको दो सीट बेल्ट पॉइंट मिल जाता है और मिडल वाले के लिए नॉर्मल मिलता है, और फ्रंट में आपको दो सीट बेल्ट पॉइंट मिल जाते हैं। और बात करें इसके ब्रेकिंग इंट्रैक्शन की, तो कार के अंदर ABS मिलता है और EBD मिल जाता है। इस टाइप के अंदर आपको सेफ्टी वाइज फीचर मिल जाता है। तो डैशबोर्ड काफी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। यहाँ पे IRM की बात करें तो ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है, कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। या फ्रंट के अंदर आपको लाइट मिल जाती है, जैसे इसको अभी ऑफ कर रखा है, ये मिलती है आपको डोर के लिए और पर्टिकुलर ऑन करने के लिए हैलोजन सेटअप के अंदर। इधर आपको वेंटी मिरर मिल जाता है, इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और इधर आपको टोल रिसीव के लिए मिल जाता है। साइड ओवरव्यू में कुछ ऐसे देखने मिलते हैं, एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ बटन मिल जाता है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ इसका फ्रंट से डैशबोर्ड मिलता है। सीट की बात करें तो सीट मैंने ऑल द पूरी पीछे कर रखी है, यहाँ देख सकते हैं नी रूम अच्छा खासा मिल रहा है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, हेड रूम अच्छा खासा मिल रहा है। मेरी हाइट 5'11" तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ फ्रंट सीट के अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साइड में ग्रिप भी अच्छी खासी मिलती है। सीट बेल्ट लगाने के बाद मैं इसको ईजिली अगर चलाना चाहूँ, फैमिली के साथ जाऊँ, तो 400 से 500 किलोमीटर जा सकता हूँ फैमिली के साथ में। तो फ्रंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसकी मिडल वाली सीट पर, कैसा क्या स्पेस मिलता है उस बारे में बात करते हैं। तो कार की मिडल सीट पे मैं आ चुका हूँ। सीट मैंने ऑल दो पूरी पीछे कर रखी है, थोड़ी सी रिक्लाइन भी कर रखी है, तो यहाँ नी रूम मुझे नाक के बराबर मिल रहा है। अगर मेरी हाइट के हिसाब से सेट होगी ये सीट तो मुझे यहाँ नी रूम अच्छा खासा मिल जाएगा, बट थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, हेड रूम भी मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। अगर किसी की हाइट 6'5" रहने वाली है तो ये सीट पूरी पीछे रहेगी, उसके बाद ऐसा कुछ आपको नी रूम मिलता है। पीछे से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने मिलता है, इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और आपको इधर भी ग्रैब हैंडल मिल जाता है। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक आर्मरेस्ट जिसके अंदर कप होल्डर नहीं मिलता बट आर्मरेस्ट मिल जाता है अगर इनके साथ दो जने ही बैठते हैं तो। और मिडिल वाले के लिए सीट बेल्ट जो है यहाँ देखने के लिए मिलती है, जो आपको नॉर्मल मिलती है, कुछ इस टाइप से आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा अगर आप बैठ के लगाते हैं तो। यहाँ पे नाक के बराबर हम्प मिलता है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, जो आपको बाद में यहाँ पे चार्जर लगवाना है तो वो लगवा सकते हैं, कंपनी से भी लगवाना चाहते हैं वो भी लगवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तीन जने बैठ सकते हैं अडल्ट के अंदर, अगर मीडियम हेल्थ के होंगे। अगर लार्ज हेल्थ के होंगे तो दो अडल्ट एक बच्चा बैठा सकते हैं, अगर मीडियम हेल्थ के होंगे तो यहाँ पे चार भी बैठ सकते हैं जिसके अंदर तीन अडल्ट और एक बच्चा बैठा सकते हैं इजीली, अगर इन सीट पे बैठाना चाहें, यानी मिडिल वाली पे। यहाँ पे कुशनिंग आपको अच्छी मिल जाती है, पूरी आपको बेंच मिल जाती है, अगर इस सीट को फोल्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप मैनुअली। अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ में और इंजन की बात करते हैं। कार का हुड ओपन होने के बाद देख सकते हैं इंजन बे कुछ ऐसा देखने मिलता है, ऊपरी साइड के अंदर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। जैसे आप इसका हुड ओपन करेंगे यहाँ पे हैजार्ड लाइट ऑटोमेटिक ब्लिंक करने लग जाएगी, एक सेफ्टी वाइज फीचर मिल जाता है। इसके इंजन की बात करें तो ये BS6 फेज 2 वाला इंजन है रियर व्हील ड्राइव के साथ में। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2200 cc का इंजन मिलता है MOK के साथ में डीजल टर्बो चार्ज के अंदर, जो पावर प्रोड्यूस करता है 118 BHP। टॉर्क की बात करें तो 280 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
अगर एवरेज की बात करो तो सिटी के अंदर आप चलाएंगे तो 12 से 15 का एवरेज निकाल सकते हैं, ये मेनली आपके चलाने पर डिपेंड करेगा। हाईवे पर चलाएंगे अगर फुल लगेज और फुल पैसेंजर बैठे हुए होंगे तो 18 प्लस का एवरेज निकाल सकते हैं, ये मेनली आपके चलाने पर और आपकी रोड कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओवरऑल इंजन में नीट एंड क्लीन मिल जाता है, इंजन आपको नीचे से पूरा पैक देखने के लिए मिल जाता है। हुडू करते हैं बंद, फिर कार के एक्सट्रीम प्राइस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कार की एक्सट्रीम प्राइस की, तो ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो नियो प्लस P10 की आपको एक्सट्रीम प्राइस मिलती है 12,49,000 एक्सशोरूम जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।